उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस को लूटपाट करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिरसा पुलिया पर चार बदमाश लूट की योजना बना रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया और इस मुठभेड़ के दौरान लुटेरे अंसार के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी आलोक कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो तमंचा, दो कारतूस, जिंदा 315 समेत अन्य हथियार बरामद किए, जिसके तहत सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी की रिपोर्ट। थाना पूरनपुर क्षेत्र में 6:07 फरवरी की रात्रि एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। इस समय में पुलिस के द्वारा उन पर उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसके बदले में उनके द्वारा चार अपराधियों में से दो अपराधियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। अब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ में फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी घायल हुआ है एवं तीन को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी व्यक्तियों से 2015 बोर, 2008 जिंदा 315 बोर, 2000 खोखा कारतूस 315 बोर एवं दो डंडा प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में थाना हाजत पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।